नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। ये स्टॉक अभी 104 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 2.25% का इसने अप मूव दिया था। मार्केट कैप की बात करें तो 1,15,065 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। गवर्नमेंट का बैंक है। प्रमोटर होल्डिंग 73.2% है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.62% है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एटलीस्ट डिविडेंड तो देते हैं। ओके, तो इसकी फंडामेंटल की मैंने पहले ही वीडियो बनाई है, वो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट का स्टॉक है तो ऑफ कोर्स अच्छा ही है। इसके करते हैं रिजल्ट की बात। मैं यहाँ पे मोटा मोटा आपको बता दूंगी, फिर डिटेल में वहां पे बताऊंगी। तो सितंबर से दिसंबर क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आ चुका है। रेवेन्यू की बात करें तो पहले था 26,858 लाख, अब है 27,852 लाख। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट भी इनका बड़ा है, राइट। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस रेवेन्यू एंड इंटरेस्ट बढ़ने के साथ एक्सपेंसेस इन्होंने कर दिए हैं कम। आप यहां पे देख सकते हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट पहले चल रहा था माइनस में, एंड माइनस से पॉजिटिव में तो हुआ ही हुआ है, पर जंप देखिए आप कितना अच्छा लिया है। -2 to 1 था, एंड अब जंप करके 959 पे आ चुका है। ये सारी फिगर्स जो होती हैं वो लैक्स में होती हैं। तो 960, अब ऑलमोस्ट 960 लाख इसमें जंप इसका अभी आया है फाइनेंशियल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट पहले था 1990 एंड अभी है 2441। बहुत ही ज्यादा अच्छा जंप लिया है इसने। यहां पे स्टैंडलोन के इसकी बात करें तो मार्च में जो लास्ट ईयर का क्वार्टर फोर का रिजल्ट था, मतलब फुल ईयर का था, वो था 86,845 एंड इस बार जो एक्सपेक्टेड है, जो कि तीन क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, एक का बाकी है, जो एक्सपेक्टेड है वो है 1,04,688। मैं थोड़ा सा वो हिंदी में थोड़ा सा वो हो जाता है, तो मैं जस्ट फॉर द यू नो कि थोड़ा सा इजीली आपको बता सकूं और कंफ्यूज ना, और वीडियो बार बार मेरे को पॉज ना करना पड़े, तो मैं आपको ऐसे ही बोल देती हूँ। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ट्रोल मत करिएगा प्लीज, मैं पहले बता रही हूँ। ओके, तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इस बार थोड़ा सा कम हुआ है, सॉरी पिछले साल जो था वो कम हुआ है। इस बार उम्मीद है कि बहुत ही ज्यादा डबल का जंप यहाँ पे देखने को मिल सकता है, डबल से ऊपर का। ओके, तो अभी हम बात करें कैश फ्लो की, क्योंकि बैंक है तो हम इसके कैश फ्लो की भी बात करेंगे थोड़ी सी। हालांकि बैंक्स में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो फाइनेंशियल सेक्टर की स्टॉक्स होते हैं उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इतना मायने नहीं रखता जितना फाइनेंशियल एक्टिविटी का रखता है, बट यहां पे देखें आप तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी दोनों का ही बहुत ज्यादा अच्छा है, पॉजिटिव में दोनों का ही। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से थोड़ा कम है, दैट्स ओके, चलता है, क्योंकि हर एक चीज तो अब आपको मिल नहीं सकती किसी भी चीज में। कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो कि जिनमें हर एक चीज है, बट सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस तो इसके बारे में बात करते हैं। तो काफी अच्छा इसमें भी कैश फ्लो में भी जंप देखा गया है। अब बात करें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग उतनी ही है, गवर्नमेंट का बैंक है, FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, आप देख सकते हैं। DIIs ने थोड़ी छोटू सी कम करी है, गवर्नमेंट का यहाँ पे 0-0 दिखा रहा है, एंड पब्लिक की होल्डिंग जो है वो भी कम हुई है। पहले क्वार्टर में कम हुई थी, सितंबर में भी कम हुई थी, अब दिसंबर में भी और ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे FIIs ने होल्डिंग ज्यादा बढ़ा दी है। अब करते हैं चार्ट की बात, टेक्निकल की बात करते हैं, तो मुझे लगता है स्टॉक अब रॉकेट बनेगा। इन शॉर्ट मतलब सारी वीडियो का कंक्लूजन मैं ये बता रही हूँ कि मुझे लगता है स्टॉक अब रॉकेट बनेगा। क्यों बनेगा? पहली बात फाइनेंशियल सेक्टर, दूसरी बात बैंक का, सॉरी गवर्नमेंट का, तीसरी बात जो टेक्निकल चार्ट बता रहा है। चार्ट देखिए, अब ये मैंने एक चैनल बनाया है, पहले आप अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो इसके सपोर्ट एंड बाकी सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अभी मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि ये इसका इमीडिएट सपोर्ट है एंड ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 90 एंड 90.50 के बीच में इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये इसका इमीडिएट सपोर्ट है, एंड ये इसका रेजिस्टेंस आ सकता है। मुझे स्ट्रांगली लगता है कि ये इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से ये पिछले कुछ
टाइम में। अब देखिए क्यों हो सकता है रेजिस्टेंस इसका, ये पुराना चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए यहां पे ये गया है, उसके बाद यहां पे इसने सपोर्ट बनाया है एंड यहां पे इसको रेजिस्टेंस मिली है, राइट। एक तो मैंने आपको ये बताया कि सपोर्ट, अब ये रेजिस्ट बिल्कुल पुराने रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, आप अगर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं पुराने रेजिस्टेंस पे है। ये देखिए ये रेजिस्टेंस है पुरानी एंड उसी पे इस टाइम ये ट्रेड कर रहा है एंड यहां पे ये दो तीन बार रेजिस्टेंस लेके वहीं पे सेटल भी हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक दो तीन, तीसरी बारी है ये कि ये फिर से ऊपर उठ रहा है। चलो ये तो मार्केट गिर गई थी तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो तो चलो देखा समझने की समझा जा सकता है, पर मुझे लगता है सिंस अभी रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं तो ऊपर जाएगा। दूसरा साइन ऊपर जाने का क्या है कि ये स्मूदन मूविंग एवरेज को प्राइस की लाइन कट करी है। तीसरा RSI बहुत ही अच्छे लेवल पे 66.56 है, RSI बहुत अच्छे लेवल पे है। अब हम लगा के देख लेते हैं कोई, सॉरी मैंने दूसरा इंडिकेटर लगा दिया, चलो ये भी देख लेते हैं। इसमें नीचे डॉट्स बन रहे हैं तो ये ऊपर जाएगा, एक तो ये इंडिकेशन है। इसमें मुझे लगाना था एक तो EMA क्रॉस, वैसे ही काम नहीं करेगा क्योंकि पहले ही जा चुका है यहाँ पे क्रॉस, ऑलमोस्ट ये दे चुका है, देखिए यहाँ पे क्रॉस इसने दिया था तो ये अभी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है तो ये भी काम नहीं करेगा। एक बार हम, वैसे इसकी कोई बनेगी नहीं रेंज, अभी पहले ये रेंज से निकल चुका है, इसकी कोई रेंज यहां से, जी हाँ जी यहां से ये रेंज से निकला था तो अभी कोई रेंज इसकी बनेगी नहीं क्योंकि ये तब से थोड़ा सा ऊपर ही जा रहा है। तो बेसिकली अभी हमारे इंडिकेटर्स जो हैं इतना कुछ काम नहीं करेंगे, तो हम ऑसिलेटर से काम चलाएंगे एंड अपनी जो एनालिसिस है उससे। तो ऑसिलेटर क्या होता है, इसको ऑसिलेटर, RSI जो है इंडिकेटर बोल देते हैं इसको, पर बेसिकली ऑसिलेटर होता है। ओके, तो बाकी भी ऑसिलेटर्स, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ ऑसिलेटर्स एंड इंडिकेटर्स के ऊपर भी, तो वो भी मैं आपको एक बार बता दूंगी, शायद कल मैं वो वीडियो शेयर करूं। ओके, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात होगी। अब देख लेते हैं इसकी कोई न्यूज तो नहीं आई है, बेसिकली तो अभी रिजल्ट की ही न्यूज आई है, तो एक बार अगर आप चाहें तो हम रिजल्ट भी डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा डिटेल में। ओके, तो रिजल्ट ये है, ये हम कंसोलिडेटेड की बात करेंगे। तो ये देखिए ये लैक्स में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लैक्स में है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है रिजल्ट, इस बार की फिगर है ये, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ सो दैट आप आराम से देख सके, हम देखेंगे कंसोलिडेटेड ही। ओके, तो सॉरी इसको मिटाएं पहले हम। ओके, तो अब आते हैं इसके ऊपर हम। ओके, तो ये वाला जो है इस बार रिजल्ट आया है, पिछली बार जो था जून सितंबर में वो ये रिजल्ट था, तो सितंबर से अभी तक का जंप है, डेफिनेटली है। एंड सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि यहां से यहां का जंप तो है ही है, राइट, एंड यहां से यहां का भी जंप है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपको जंप मिल ही रहा है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको जंप मिल रहा है, प्रीवियस क्वार्टर एंड इसमें भी आपको जंप देखने को मिला है। ओके, अब इसमें आप देख सकते हैं कि 9 months का अगर देखें तो लास्ट टाइम जो था 9 months का, इसी सेम इस पे जब आया था 2022 का, तो 9 months का यहां पे था 62,53,995 एंड इस बार है 80,38,226। ये बहुत बड़ा जंप है, बहुत ही ज्यादा बड़ा जंप है ऑनेस्टली। सो ये 9 months का है, तो 9 months का भी अगर देखें मतलब तीन क्वार्टर का है, ये 2022 में तीन क्वार्टर का है, 2023 के तीन क्वार्टर का है, तो ये बहुत बड़ा जंप है। तो देखिए रिजल्ट तो काफी सॉलिड आया है, मैं इसके अब बहुत ज्यादा डिटेल में ही जाऊंगी, सीधा मैं आपको नीचे का दिखाती हूं कि इसका प्रॉफिट क्या दिखा रहा है ये, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो प्रॉफिट की बात करें तो ये लाइन है प्रॉफिट की ये लाइन है नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार हम कंसोलिडेटेड देखेंगे, तो इस पिछली बार जो था पिछले क्वार्टर में वो था 1,99,018 एंड इस बार है 2,43,277। ये बहुत बड़ा जंप है,
राइट, ये बहुत ज्यादा बड़ा जंप है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरे रीजंस हैं। बस ये था इस वीडियो में, एंड अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज पे भी बनाऊं एंड कोई और स्टॉक पे बनाऊं, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या आपको कुछ बात जाननी हो टेक्निकली या फंडामेंटली, कुछ भी आपके क्वेश्चन हो तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। एंड रेस्ट, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you. Have a good day. Happy investing.